अबीरा अरमान की हैप्पीनेस। सो गाइस, आज तो अबीरा अरमान खुशी के मारे समा ही नहीं रहे हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि अरमान ने अबीरा को गोदी में बिठा लिया है। वो दोनों ही बड़े खुश हैं, दिल से खुश हैं। बिकॉज वो जिस चीज़ को चाहते थे कि जब वो शादी करे तो दादी शाह की मंजूरी से करे, तो आज वो सच होने जा रहा है। बिकॉज फाइनली अबीरा को एक्सेप्ट कर लिया है दादी शाह ने, जहाँ पर दादी शाह के मानने के बाद ये दोनों यानी कि अबीरा एंड अरमान बाहर आते हैं। वो एक दूसरे का तीज सेलिब्रेट करते हैं। अरमान का फेस देखने अबीरा तीज मनाती हैं, पैर छूती है। और एक मोमेंट भी आएगा क्यूट से, जहाँ पे अरमान ने अबीरा के पैर छूते हैं, फिर अरमान अबीरा को गोदी में उठा लेते हैं और अबीरा बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। ये घटे लगते हैं अबीरा यानी कि अबीरा एंड अरमान आज बहुत 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 ज़्यादा ही खुश है कि फाइनली उन्हें दादी साथ ही मंजूरी मिल चुकी है। और अब पूरे धूमधाम से सभी घर वालों की मंजूरी से अरमान अबीरा शादी करने वाले हैं। बिकॉज दादी साह ने खुद अब अबीरा को एक्सेप्ट कर लिया और अरमान के हाथों में अबीरा का देते हुए कहा है कि हम करेंगे तुम्हारी शादी। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में, क्योंकि दादी शाह ने अबीरा को एक्सेप्ट कर लिया है। अब होप्स हो ये दादी शाह को कोई षड्यंत्र ना हो, लेकिन सुनने में आ रहा है कि दाल में कुछ खिचड़ी, मतलब खिचड़ी में कुछ दाल भी हो सकता है, जो भी मुहावरा था, हो सकता है दाल में कुछ काला भी हो सकता है। बिकॉज अबीरा अरमान की ये खुशी को दादी शाह की या किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। जो फैंस देखना चाहते हैं शादी, वही होना चाहिए। कब नहीं बताओ आप लोग क्या देखना चाहते हो, शादी या कोई ट्विस्ट।